सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड या फिर उसका स्काई इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि पहले जो फ़ोटो थी वो ऐसी थी, उसके बाद मैंने उसका जो स्काई है वो चेंज किया और उस फोटो को मैंने कुछ ऐसा बना दिया। आप देख सकते हो दोनों के अंदर ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। साथ ही मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से बड़े ही आसान तरीके से हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर फ़ोटोज़ को इस तरह से कर सकते हो, यानी कि पहले जो फ़ोटो थी वो कुछ ऐसी थी, उसके बाद में जो फ़ोटो है वो कुछ ऐसी है, यानी कि 2 मिनट के अंदर ही सिर्फ बिल्कुल ही आसानी से और बिना किसी प्रो ट्रिक के, यानी कि बिना किसी प्रो एडिटिंग स्किल के हम इजीली कर सकते हैं अपनी किसी भी फ़ोटो को इतने अच्छे से एडिट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम बड़ी ही आसानी से किसी भी इमेज के स्काई को चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं स्काई से रिलेटेड, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस ऐप को, जिसका नाम है क्विक शॉट। और ये ऐप हमें iOS और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है, यानी कि आप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो इसे। तो चलिए इस ऐप को हम लॉन्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऐप को ओपन किया तो हमारे पास इंटरफेस कुछ ऐसा निकल के सामने आता है। यहाँ से हम बहुत सारी इमेजेस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैमरा रोल से, या फिर इनकी कुछ डेमो फोटोज़ भी है उनमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेजेस आप देख सकते हो, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम और देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो साथ ही में मैं कैमरा रोल से एक फ़ोटो सेलेक्ट करने वाला हूँ और ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की है, जो बिल्कुल सिंपल है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। और ये ऐप बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के काम करती है, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इंटरनेट ऑफ कर रखा है। और यहाँ से हमें सबसे पहले स्काई चेंज करना होगा, तो हम क्लिक करेंगे स्काई पर और यहाँ से हम अपने हिसाब से जिस तरह का स्काई चाहते हैं उसी हिसाब से स्काई लगा सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, पहला स्काई कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे हमें बहुत सारे स्काई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और आप देख सकते हो हम तरह तरह के अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस भी तरह का स्काई ऑप्शन हमें चाहिए होता है। आप देख सकते हो आप अपने हिसाब से बिल्कुल ही आसानी से स्काई चेंज कर सकते हो, जिस भी तरह का आपको स्काई चाहिए वैसा ही आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप देख सकते हो यहां पर सनसेट के भी ऑप्शन हैं बहुत सारे, और यहां पर स्ट्रॉम के भी ऑप्शन हैं। तो यहां से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी तरह के स्काई आपको चाहिए। और साथ ही में हमें यहां पर नाइट का भी देखने को मिलता है, यानी कि नाइट स्काई भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ वर्चुअल स्काई भी देखने को मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हो जैसा आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैं एक स्काई को ले लेता हूँ, किसी भी एक स्काई को हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इस स्काई को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद हमें जाना होगा पोर्ट्रेट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। हम जैसे ही पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं पोर्ट्रेट को लेकर के भी, कि हम फ्री पोर्ट्रेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो फ्रीली पोर्ट्रेट हो गया है। उसके बाद प्रो वन का ऑप्शन है, यहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप फ्री के साथ में जाए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट देखने को मिलता है दूसरे के मुकाबले। साथ ही में हमें यहाँ पर प्रो 7 तक के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कस्टमाइज़। तो यहाँ पर मैं फ्री वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फ्री वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी कि जितनी भी इमेज आपको चाहिए उतनी ही आप क्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको चाहिए इजीली। तो बैक करते हैं इस फीचर से,
साथ ही में हमें यहाँ पर एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम लाइटनिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से हम अपनी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से, और यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट और भी बहुत सारे अलग अलग फीचर जैसे कि शेडोज़ और भी बहुत सारे एक्सपोजर, हाईलाइट्स, सेचुरेशन, टेम्परेचर और भी बहुत सारे फीचर हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो तो यहाँ से भी हम बैक कर लेते हैं और यहाँ हम डिटेल पर भी फोकस कर सकते हैं कि हमें जो डिटेल है वो स्ट्रक्चर में चाहिए, डेप्थ में चाहिए या शार्पन चाहिए। तो हम यहाँ अगर स्ट्रक्चर में करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें डेप्थ का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो कि आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, आप देख सकते हो। और यहाँ पर शार्पन जैसा फीचर भी देखने को मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेन का भी फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी हम बैक हो जाते हैं। उसके बाद हमें फ़िल्टर भी देखने को मिलते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो फ़िल्टर, और यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको एक फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ। अगर हमें ये फ़िल्टर चाहिए तो हम इसके लिए जा सकते हैं। और भी हमें बहुत सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि हम इजीली लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमें मैजिक का ऑप्शन मिलता है जो कि आपकी फ़ोटो को बिल्कुल ही एनहेंस कर देगा, यानी कि लाइटनिंग लुइटनिंग सारी चीज़ बिल्कुल ही परफेक्टली हो जाएगी इस मैजिक पे क्लिक करते ही। साथ ही में यहाँ पर हमें लुक्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जहाँ से हम तरह तरह के लुक्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट, डे वन, डे टू और भी बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिस भी तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो कि हम इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस फीचर से भी हम बैक जाते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको अगला फीचर, और जो अगला फीचर है वो है इफ़ेक्ट्स। यहाँ से हम इफ़ेक्ट मैनेज कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, साथ ही में फोकस और ऑटो फोकस जैसे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं यहाँ, और यहीं से हम इफ़ेक्ट इजीली लगा सकते हैं जिस भी तरह का हमें इफ़ेक्ट चाहिए। और अगर हम बात करते हैं डेमो पिक्चर से, तो हम डेमो पिक्चर की मदद से यानी कि डेमो फ़ोटोज़ की मदद से दिखाते हैं कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो, और यहाँ से हम इजीली करते हैं इसका स्काई चेंज, और आपको दिखेगा कि किस तरह से स्काई इजीली चेंज होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्काई चेंज कर रहा हूँ एक एक करके, और यहाँ से हम सारे स्काई चेंज कर सकते हैं जिस भी तरह के आप चाहते हो। आप इजीली देख सकते हो कि ये स्काई काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ भी कर सकते हो और अपनी फ़ोटोज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो बिल्कुल छोटी सी एडिटिंग के साथ में। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रो लेवल की स्किल नहीं चाहिए अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए, और काफ़ी अच्छी आपकी फ़ोटो दिखने वाली है इसी के साथ में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ।